बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? थ्री क्लास टेक योर सिलेबस फाइव। आज हमने सबसे पहले नाजा का क्वेश्चन लर्न करना है और हम दुआ लर्न करेंगे बैतुल खला से निकलते वक्त की दुआ, कि बैतुल खला से निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। गुफराना का। ओके किड्स, बैतुल खला से निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? गुफराना का। नाउ ओपन योर पेज नंबर 2। ओके किड्स, आज हमने पेज नंबर 2 का सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 लर्न करना है। नाउ लेट स्टार्ट। सवाल नंबर 9 है, मुसलमान घरानों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पहले क्या सुनाया जाता है? जवाब, सबसे पहले उस बच्चे के कान में अजान दी जाती है। ओके किड्स, मुसलमान घरानों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको पहले क्या सुनाया जाता है, उसके कान में सबसे पहले क्या सुनाया जाता है? सबसे पहले उस बच्चे के कान में अजान दी जाती है। ओके किड्स, सवाल नंबर 10, अजान क्यों दी जाती है? जवाब, मुसलमान को 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में बुलाने के लिए अजान दी जाती है। ओके किड्स, अजान दिन में 5 मरतबा दी जाती है। अजान मौज़न देता है और मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। हर मुसलमान मर्द और औरत पे दिन में 5 वक्त नमाज फ़र्ज है। अजान मस्जिद में बुलाने के लिए अजान दी जाती है। ओके किड्स, आपने इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।